बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। जियोग्राफी फॉर क्लास सिक्स पीटीबी की बुक इंग्लिश मीडियम, और इसकी वीडियो बनाने का सिलसिला जारी है। चैप्टर नंबर वन, अर्थ एज ए प्लैनेट, इसकी जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं वो बन चुकी हैं, और आज आखिरी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आखिरी वीडियो है इसकी एक्सरसाइज के हवाले से, तो आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो आज हम एक्सरसाइज को देखेंगे, इसके की पॉइंट्स हैं। नंबर वन, द यूनिवर्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर। जो हमारी कायनात है ये कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, अरबों कहकशाओं का, कंप्राइज्ड ऑफ मैटर, जो मादे से मिलकर बनी है। नंबर टू, अर्थ सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। हमारी ज़मीन, हमारा निज़ाम शमसी और अरबों के हिसाब से पाई जाने वाली कहकशाएँ, ये सब के सब कायनात के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं। नंबर थ्री, सन इज़ ए स्टार अराउंड विच रिवॉल्व द प्लैनेट्स। सूरज एक सितारा है जिसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ सियारे गर्दश करते हैं। नंबर फोर, अर्थ इज़ राउंड, द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 5-10 बिलियन स्क्वेयर किलोमीटर। ज़मीन गोल है और इसकी सतह का जो रकबा है ये 510 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर है। नंबर फाइव, डे एंड नाइट आर फाउंड बाय रोटेशन एंड सीजन्स आर फाउंड बाय रेवोल्यूशन। जो दिन और रात है ये ज़मीन की जो अपने एक्सिस के ऊपर, अपने मैवर के ऊपर उसके जो चक्कर लगाती है 24 घंटों में, उससे दिन और रात बनते हैं। और जो सीजन्स हैं, जो ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है 365 दिन और 6 घंटों में, तो उससे मौसम बनते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ और मुख्तलिफ मौसम चेंज होते हैं। नंबर सिक्स, व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, देर इज़ अ सोलर इक्लिप्स, तो सूरज ग्रहण लगता है। नंबर सेवन, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, देर इज़ अ ल्यूनर इक्लिप्स, जब ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है तो इसको हम चाँद ग्रहण कहते हैं। नंबर एट, देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस ऑन द अर्थ। ज़मीन हमारी ज़मीन, हमारी जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, इसके ऊपर 7 बरेआज़म और 5 समंदर मौजूद हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। नंबर वन, टिक द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जो आप पे टिक लगाएं, तो आपने लेसन को अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसको खुद से टिक लगाएं, मैं पढ़ता जाता हूँ। नंबर वन, सन इज़ ए प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट, गैलेक्सी। सूरज सैयारा है, सितारा है, सैटेलाइट है, मसनू सियारा है, या गैलेक्सी है, कहकशां है, तो आप जानते हैं कि ये क्या है, इसको टिक करें। नंबर टू, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा जो बर आज़म है वो कौन सा है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या फिर एशिया। नंबर थ्री, द डायामीटर ऑफ अर्थ इज इन किलोमीटर, इज ज़मीन का डायामीटर किलोमीटर्स में 4,675, 8,870, 12,750। नंबर फोर, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज इन किलोमीटर्स, ज़मीन का सर्कमफेरेंस 40,000 किलोमीटर्स, 30,000 किलोमीटर्स, 25,000 किलोमीटर्स और 15,000 किलोमीटर्स। नंबर फाइव, द एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस इज इन मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर, इज ज़मीन की सतह का जो रकबा है वो मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर में 148 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर, 362 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर, 510 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर, 700 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर। नंबर सिक्स, द अर्थ कम्प्लीट्स ए रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन, ज़मीन अपने महवर के ऊपर चक्कर पूरा करती है 1 ईयर में 1 आवर में, 72 डेज़ में, 24 आवर्स में। नंबर सेवन, द अर्थ कम्प्लीट्स ए रेवोल्यूशन अराउंड इट्स ऑर्बिट, ज़मीन अपने मदार में सूरज के जो चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स में 1 ईयर में 2 ईयर में या 12 ईयर्स में। नंबर एट, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर इज, ज़मीन के ऊपर जो पानी ने जो ढांपा हुआ है उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 29%, 50%, 71%, 90%। नंबर नाइन, द ओशन इन द ईस्ट ऑफ एशिया इज, एशिया के मशरक में जो समंदर है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक है, इंडियन है या आर्कटिक है। अगले पेज पे नंबर टेन, द अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट इज, वो बरेआज़म जिसके ऊपर कोई आबादी नहीं है, वो गैर आबाद है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या फिर एंटार्कटिका का। गिव शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर सवाल के जवाब दें। नंबर वन, व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिवर्स, कायनात का क्या मतलब है। नंबर टू, नेम द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम,
निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ सैयारों के नाम लिखें। नंबर 3, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द अर्थ, ज़मीन की जसामत बताएं। नंबर 4, हाउ डज ल्यूनर एंड सोलर क्लिप्स अकर, चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस तरह से लगते हैं। नंबर 5, नेम द कॉन्टीनेंट्स ऑफ द एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो कॉन्टीनेंट्स हैं हमारे 7 कॉन्टीनेंट्स उनके नाम लिखें और 5 ओशंस के नाम लिखें। नंबर 3, डिफाइन रोटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, रोटेशन की तारीफ करें और डे एंड नाइट किस तरह बनते हैं। तो ये आप जो डिटेल्ड क्वेश्चन अपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें से ही अपने आंसर देने हैं। नंबर 4, डिफाइन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द चेंज ऑफ सीजन्स, रेवोल्यूशन की तारीफ करें और ज़मीन के ऊपर मौसम कैसे तब्दील होते हैं उसके बारे में बताएं। नंबर 5, राइट ए नोट ऑन द कॉन्टीनेंट्स, कॉन्टीनेंट्स के ऊपर नोट लिखें। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपकी जो एक्सरसाइज है उसका हाथमा होता है, इसको मैंने अच्छी तरह पढ़ दिया ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोब मैप्स एंड देयर यूजेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।